नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांधकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। FIR आपके द्वार प्रोजेक्ट का गृह मंत्री ने किया शुभारंभ। रीवा में बढ़ रहे पॉजिटिव केसों के बीच त्योथर का युवक हुआ डीहिया में आइसोलेट। प्रशासन एवं सब्जी विक्रेताओं के बीच नहीं बनी सहमति, अनिश्चितकालीन तक बंद रखने का लिया निर्णय। अब खबरें विस्तार से। पुलिस की कार्यप्रणाली को सुगम बनाने एवं लोगों की समस्या के बाद भी पुलिस थाना का चक्कर लगाने से निजात दिलाने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र द्वारा आज 11 बजे भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से FIR आपके द्वार पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, जिसके तहत डायल 100 द्वारा घटना स्थल पहुंच FIR दर्ज करेगी। इसी कड़ी में रीवा जोन के IG चंचल शेखर द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में फ्लैग ऑफ कर डायल 100 को रवाना किया। FIR आपके द्वार प्रोजेक्ट के तहत रीवा के समान थाना एवं मऊगंज थाने का चयन किया गया। वहीं इस डायल 100 में CCTNS सहित कंप्यूटर के द्वारा साधारण मारपीट, चोरी एवं एक्सीडेंट के मामलों में FIR किया जाएगा। इस दौरान DIG अनिल सिंह कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक आबिद खान, एडिशनल SP सुकुमार वर्मा, एडिशनल SP मऊगंज गोपाल खांडेल सहित पुलिस अधिकारी एवं डायल 100 के कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर से जानकारी के अंश। हाथ में डंडा है किसी के, कमर पे पिस्तौल है किसी के, कंधे पे गन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाथ जोड़े खड़ा है। वो निवेदन कर रहा है कि आप घर पे रहो। वो कहावत है ना कि इस पुलिस के भी अजब फसाने हैं, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। वो कमोबेश स्थिति हमारी हमारी पुलिस की थी कि वो कई ऐसे हमने बहुत सारे विजुअल और फुटेज सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से देखे कि पुलिस के लोग डंडे मार रहे हैं। सोशल मीडिया जब लोग खाली थे तो उन्होंने कई तरह के बताए कि बख्तरबंद मान के जा रहे हैं, लेकिन कई इस तरह के भी आए कि वो वृद्ध को कंधे पर उठाए घर पहुंचा रहे। किसी पीड़ित महिला को, अबला को, वो बिल्कुल पुत्र के रूप में उसको माँ समझकर उसकी सेवा कर रहे हैं, किसी के छालों पर मलहम लगा रहे हैं। ये काम पुलिस ने किया और उसी अनूठी पहल में से एक ये पहल है जो मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में सबसे पहली है। अभी तक लोग रिपोर्ट लिखाने थाने जाते थे, अब थाना रिपोर्ट लिखते घर पर जाए। ये देश की पहली पहल है हमारी जो एक नजीर बनेगी। आज जैसा अभी आदरणीय जोहरी साहब ने बताया कि आपके द्वार योजना के पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। तो ये आज ये डायल 100 को रवाना किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, कैसे ये वर्क करेगी, कैसे लोगों की सहायता मिलेगी इससे? आज प्रदेश के माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा एक अभिनव पहल किया गया है। उनके पहल पे FIR आपके द्वार पुलिस द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे ही कोई पीड़ित व्यक्ति मारपीट का पीड़ित हो, चोरी की जिसके यहाँ हुई हो या एक्सीडेंट का पीड़ित हो, एक बार डायल 100 उसके पास जाती है और दूसरे बार वो उसे थाने आना पड़ता है FIR के लिए, क्योंकि वहीं पे कंप्यूटर और इन सब की व्यवस्था है। और आज से ये हमने किया कि साधारण धाराओं में ये तीन कैटेगरी की धाराएं जो हमने बताई आपको, मारपीट, साधारण मारपीट, चोरी और एक्सीडेंट के मामलों में डायल 100 जब स्पॉट पे जाएगी तो उसी समय तत्समय ही उसकी FIR लिखी जाएगी। उस FIR लिखने के लिए उसमें जो सक्षम अधिकारी पदस्थ हैं लगाए गए हैं, जैसा आपने ये किट देखा जो हमने एक सूटकेस में प्रिंटर, कंप्यूटर, वाईफाई, एक्सटेंशन कॉर्ड, पेपर, MLC फॉर्म ये सब भी दिया है। इसको हम इंटरनेट से थाने का जो CCTNS नेटवर्क है जिसमें FIR रजिस्टर होता है उसमें उसको कनेक्ट करेंगे और वहीं पे FIR लिख करके एक कॉपी, एक प्रति जो है पीड़ित व्यक्ति को देंगे। ये बहुत ही अभिनव पहल है जिसकी आज हमने यहाँ पर रीवा में दो थानों में शुरुआत की है, शहर के समान थाने में और देहात के मऊगंज थाने में शुरुआत की। जिले में लगातार आ रहे श्रमिकों के कारण रीवा व सतना में कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी कड़ी में विगत रात्रि त्योथर के चंदई निवासी मुकुंदी लाल की
कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन द्वारा उसे डीए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। वहीं इसके संपर्क में आए हुए करीब 11 लोगों को भी रीवाला सैंपल ले आइसोलेट कर दिया गया है। जबकि रीवा के इंदिरा नगर में डॉक्टर सिंघल की बेटी तनिषा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं उनकी बहन सरिता की तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद एक सुखद एहसास हुआ, किंतु बिना जानकारी के लगातार आने वाले लोगों से खतरा बरकरार है। प्रस्तुत है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर एस पांडे से जानकारी के अनुसार। सही है, कल एक पेशेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं, कहाँ से आए थे, क्या इनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, कैसे अभी व्यवस्था की गई है? सही है कि एक पेशेंट देवधर ब्लॉक का है जो पॉजिटिव पाया गया है, कल रात उसकी रिपोर्ट आई है। और ये बम्बई से चल करके दो लोग मोटरसाइकिल से आए, पहले दो मोटरसाइकिलों में लोग चले, चार लोग तो इंदौर पहुँचे, इंदौर से दो मोटरसाइकिल और हुई, इस तरह से चार मोटरसाइकिलों से लोग देवधर पहुँचे। देवधर ब्लॉक में उनका गाँव है। और उसके बाद वो जैसे हमको जानकारी हुई है वहाँ के बीएमओ को, तो बीएमओ ने 9 तारीख को मतलब परसों इनको यहाँ से गाड़ी बुला करके उनको रीवा भेजा। उसमें से एक व्यक्ति की के गले में खराश थी और उसको थोड़ा सांस भी फूल रही थी, बुखार भी आ रहा था। उसका सैंपल लेकर के कल यहीं पर परसों रोक लिया गया था, कल रात को उसकी रिपोर्ट आई है जो पॉजिटिव पाई गई है। उस मरीज को पहले से ही भर्ती कर लिया गया था और उसका उपचार चालू है, और जैसी भी स्थिति होती है यदि ज़्यादा कुछ होगा तो आगे मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। अभी कहाँ शिफ्ट किया गया है? अभी उसको डिकिया हमारा जो सेंटर है सीसीसी सेंटर कहते हैं हम उसको, कोविड केयर सेंटर है, उसमें रखा गया है डिकिया। और सर ये जो डॉक्टर राजेश सिंघल के रिलेटिव थे उनमें से क्या रिपोर्ट अभी क्या है? अभी उनकी जो एक्चुअली पहली एक रिपोर्ट थी तो जब पॉजिटिव हुआ तो अस्पताल में भर्ती किया गया, इसके बाद एक रिपोर्ट बीच में फिर से पॉजिटिव आई, अभी तीसरी रिपोर्ट थी वो भी उसमें शायद उनके एक सदस्य जो उनकी बहन है वो पॉजिटिव आई है, निगेटिव आई है, और एक रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव आई है। तो इसका निर्णय कब कितने दिन रखना है मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है वही उसको तय करेगा कि कितने दिन तक अभी रखने की आवश्यकता। अभी तक सर कितनी रिपोर्टें पॉजिटिव आई हैं? अभी हमारे जिले में 4 रिपोर्टें पॉजिटिव आई हैं अभी तक। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में फंसे विभिन्न जिलों के 1143 यात्रियों को लेकर महाराष्ट्र के पनवेल स्टेशन से विशेष श्रमिक ट्रेन विगत शाम 5:30 बजे रीवा रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें सवार यात्रियों को एसडीएम फरीन खान, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा के द्वारा यात्रियों को जांच कराकर भोजन के पैकेट वितरित किए गए एवं विशेष बस द्वारा इन्हें इनके गृहग्राम के लिए रवाना किए गए। वहीं इस दौरान भोजन के पैकेट कम पड़ने के कारण आए हुए श्रमिक यात्रियों को स्टेशन के बाहर लाइन में खड़ा कर दिया गया था। प्रस्तुत एक झलकी एवं आए हुए यात्रियों सहित एसडीएम फरीन खान से जानकारी के अनुसार। आपको चिंता करने का कोई विषय नहीं है, जो जहाँ का है उस कहाँ खाना मिला था पहली बार? जबलपुर में। पनवेल में कैसे थे आप, वहीं रहते हैं या? बेटा बहू नहीं, उनके पास गए थे बच्चे के लिए, वहाँ से आए हैं। अच्छा, बच्चे भी थे आपके साथ तो इनको भी रास्ते में दिक्कत हुई होगी भूख से, तो कैसे मैनेज किया, क्या किया? तो चमके था उससे बताया, और पनवेल में हमारे लिए पुलिस ने बुलाया फोन करके, इसके बाद पनवेल ने फोन में उनने हमको रीवा वाली गाड़ी में बिठा लिया, फिर लगे इटारसी में आप उतर जाना वहाँ से चले जाना, और इटारसी में जो लॉकडाउन के अंतर्गत पुलिस ने नहीं उतरने दिया। क्या करते थे वहाँ? बिल्डिंग काम कर रहे। किस तरह की दिक्कतें हो रही थी वहाँ, कब से फंसे हो? 2 महीने। खाने पीने की क्या व्यवस्था थी वहाँ? व्यवस्था पहले ही चली है तो रेट हमारा करा रहा। रास्ते में क्या क्या दिक्कत हुई? रास्ते में आते समय कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र। दुबे? ध्रुवे। ध्रुवे कहाँ के हो? बालाघाट गाँव।
मन में क्या चल रहा था, किस तरह का टेंशन था वहाँ लॉकडाउन में फंसे थे तो क्या दिक्कतें हो रही थी, घर वालों की चिंता या क्या कुछ क्या चल रहा था मन में? थोड़ी सी दिक्कत तो चिंता रही होगी मन में के घर वाले। मैडम आज ट्रेन कहाँ से आई थी, कितने लोग आए थे और क्या क्या व्यवस्था? आज ट्रेन पनवेल महाराष्ट्र से क्या व्यवस्था की गई थी यहाँ पर उनके लिए? पिछली बार की तरह इस बार भी मेडिकल चेकअप की फैसिलिटी है, जिसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट करके खाना देने के बाद सबको उनकी बसों में बिठा करके उनके जिले रवाना किए थे। रीवा ज़िले के लिए जैसा आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग जनपद वाइज हमने टेंट लगाए हैं, उनकी जनपद वाइज यहाँ पर पहले नोटिंग होगी, उसके बाद फिर उनकी संख्या वाइज जानकारी बना करके उनको बसेस से भेजेंगे। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश एवं प्रदेश सहित जिले में लॉकडाउन किया था, जिसके कारण कई व्यापार पूरी तरह ठप हो गए। वहीं प्रशासन द्वारा 4 मई को तीसरे चरण के लॉकडाउन में कुछ शर्तों के तहत व्यापार की छूट दी गई। वहीं सब्जी व्यापारियों द्वारा भी अपनी दुकानें लगाकर व्यापार करने लगे, जिस पर विगत दोपहर पुलिस द्वारा सब्जी मंडी पहुंच फुटकर व्यापारियों पर बल प्रयोग किया, जिसके बाद एकत्रित हुए आक्रोशित व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओंकार तिवारी द्वारा समझाइश देते हुए SDM एवं CSP से फोन के माध्यम से बात कराई। वह सहमति न बनने के बाद फुटकर व्यापारियों द्वारा अनिश्चितकालीन तक सब्जी मंडी बंद करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तुत है झलकी एवं व्यापारी संघ के अध्यक्ष JP कुशवाहा से जानकारी के अंश। अगर किसी ने मारा भाई मैं क्षमा मांगता हूँ, दूर हो जाएगी तकलीफ। लेकिन भगाने वैसे भी पुलिस आ गई है, क्या नाम है भैया आपका? JP कुशवाहा। अभी यहाँ पे क्या घटना हुई है, काहे को लेकर इतने लोग एक्सप्रेस में लिए थे? अभी यहाँ क्या बताएं, यहाँ जो है अब समस्या ये हो रही है कि अब लॉकडाउन खुला हुआ है, सब दुकानें खुल रही हैं, अब सिर्फ जो है कोरोना है तो ये सब्जी वालों के ऊपर, यहाँ थोक मंडी तो दूसरी जगह लग रही है, अब फुटकर यहाँ लगाने से भीड़ वगैरह ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि यहाँ फुटकर लगे, जिसके कारण से आज पता लगा कि यहाँ दोपहर में 3 बजे के आसपास लाठी चार्ज हुआ और कई लोगों को बढ़िया बना के पीते हैं, गाली गलौज तो हुए हैं, और जबकि उस समय कोई भीड़ भाड़ का तो कोई माहौल ही नहीं होता दोपहर में। तो अब किस लिए विरोध है, क्या चाहते हैं आप लोग की मांगे क्या हैं? अब ये हमारे यहाँ जो फुटकर व्यापारी हैं, अगर यहाँ बैठ के नहीं बेचेंगे तो सब्जियाँ किसकी बिकेंगी यहाँ पर? तो ये जो मंडी है, इस मंडी में फुटकर को यहाँ बैठने की अनुमति दी जाए? अभी तक किसी अधिकारी से या किसी मंत्री वगैरह से नहीं, नहीं आज अभी किसी से बात नहीं। अब क्या करने वाले हैं आज यहाँ फुटकर व्यापारी? पूरी तरह हड़ताल करने वाले हैं कि कल से हम लोग बेचेंगे नहीं, रीवा में कहीं कोई भी फुटकर सब्जी बिकेगी नहीं। ठेला व्यापारी भी समर्थन में? सब ठेला व्यापारी भी हैं, और अभी शाम थोड़ा हो गई है, नहीं तो किसान भी पूरी तरह समर्थन करेंगे। शुभ नाम आपका? JP कुशवाहा। शहर के रतहरा तालाब से अतिक्रम हटाए जाने के बाद विस्थापितों को रतहरा प्रधानमंत्री आवास में व्यवस्थित किया जा रहा है, वहीं कुछ लोगों को उनके गृह ग्राम वापस भेज दिया गया, जबकि बचे हुए लोग कॉलोनी पहुंचकर सामने खाली पड़ी जमीन पर झोपड़ी बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं आज भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष मनीषा पाठक द्वारा बताया गया कि बचे हुए लोगों को शीघ्र ही कॉलोनी में व्यवस्थित किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि ऐसे लोग जिनके पास पंजीयन के पैसे नहीं है, उन्हें विधायक द्वारा 15,000 की आर्थिक मदद दी जा रही है, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वे सस्ती राजनीति न करें। प्रस्तुत है न्यूज़वैन के संवाददाता दिलीप गुप्ता से भाजपा नेत्री मनीषा पाठक से जानकारी के अंश। रतहरा वासियों को जो अभी अतिक्रमण के द्वारा हटाया गया हो, और उनको आपकी सरकार ने कहां अभी तक रहवासियों को रखा गया और क्या व्यवस्था? माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को पक्का मकान दिया जाएगा, उसी के तहत यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के तहत यहाँ पर रतहरा में प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं, पक्के मकान, जिसमें से कुछ हितग्राही रतहरा तालाब के पास झुंगी झोपड़ियाँ साड़ी तन के फटी पन्नियाँ लगाकर किसी प्रकार से अपन जीवन गुजार रहे थे, उन सबको प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट करना है, उनको अपने घरों तक पहुँचाना है, ऐसा हमारे विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी की सोच है।
लेकिन अभी भी कुछ लोग गैलरियों में पड़े हुए हैं, उनके लिए आप लोगों ने क्या सोचा? क्योंकि अब ऐसे बिना आवंटन के हम कैसे किसी घर में उनको रख दे, इसलिए अभी उनको पार्किंग में रख दिया गया है और उनका आवंटन कर घरों का और सबको अपने अपने घरों में पहुंचाया जाएगा, जिसमें से कुछ हितग्राहियों ने 30,000 रुपए जमा कर दिए हैं और जो हितग्राही बिल्कुल असमर्थ है, नहीं जमा कर सकते हैं, उसका श्री राजेंद्र शुक्ल जी के द्वारा 15,000 रुपए दिया जाएगा और 5,000 की राशि हितग्राही उसमें मिला करके और उनको घर दिया जाएगा। ऐसी सोच है, इसी के तहत यहाँ से इनको हटाया गया है। सभी को पक्के मकान मिले, स्वस्थ जीवन जिए, स्वच्छ जीवन जिए, ऐसी सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी को। आपकी सरकारी व्यवस्था कब तक कर लेगी? आज से ही इसका आवंटन शुरू हो गया है। अमूमन कितने दिनों में मिल जाएगा? निश्चित रूप से इसका जल्द से जल्द इसको देने का प्रयास है कि सब अपने अपने घरों में पहुंच जाएं। जब तक आवंटन नहीं होता है तो इनके खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? नगर निगम के द्वारा माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी के निर्देश पर इनको समय समय पर भोजन दिया जाता है। सुबह एक बार अभी वर्तमान में 11:30 बजे हुए हैं और अभी इनको खाने के लिए वहाँ पहुँच गया है। साथ ही साथ दोपहर में 2:30 बजे फिर इनको खाना जाएगा, शाम को फिर रात्रि का भोजन इनको जाता है। तो समुचित रूप से इन सबको व्यवस्था की गई है। इनको 5,000 रुपये भी दिए गए थे कि किसकी किसी का उठाने ले जाने करने में किसी की गृहस्थी का सामान टूट गया हो या कि किसी को व्यवस्था हो रही हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, काम सबका बंद है, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए इनको 5,000 रुपये दिया गया है कि यह अपनी ज़रूरतें उस पैसों से पूरी कर सके। और इस समय आप देख रहे हैं कि कुछ विरोधी दल के लोग यहाँ पर आकर के गरीबों के बीच में राजनीति कर रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगी कि यह इतनी सस्ती राजनीति ना करें और गरीबों को अपने पक्के घरों में जाने दें, झुंगी झोपड़ी से हटाएं, क्योंकि इतनी बरसात में उनको पानी से उनका घर गृहस्थी का सामान डूब जाता है। किस प्रकार से बरसात में समय जीवन बिता रहे हैं, ठंड में उनको ठंड लगती है, पन्नी के नीचे रहते हैं, इसलिए गर्मियों में इतनी चिलचिलाती धूप में पन्नी के नीचे रहना कितना मुश्किल होता है, यह है चीज का वो अनुभव करें और वो उसका विरोध ना करते हुए इस बात का समर्थन करें और उन गरीबों को यह प्रेरित करें कि सब अपने अपने घरों में जाएं और सुव्यवस्थित तरीके से या सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जिए। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। FIR आपके द्वार प्रोजेक्ट का गृह मंत्री ने किया शुभारंभ। रीवा में बढ़ रहे पॉजिटिव केसों के बीच त्योथर का युवक हुआ डीहिया में आइसोलेट। प्रशासन एवं सब्जी विक्रेताओं के बीच नहीं बनी सहमति, अनिश्चितकालीन तक बंद रखने का लिया निर्णय। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।